प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म 12वीं के अंतर्गत अध्याय 8 में हम अध्ययन कर रहे थे ऋण पत्र संबंधी लेखों का। एक कंपनी को जो पूंजी प्राप्त होती है अंश पत्र और ऋण पत्रों के माध्यम से, तो कंपनी जब अपने अंश पत्रों या ऋण पत्रों की पूंजी को प्राप्त करती है तो अंश आवेदन पर और प्राप्त आवेदनों के आधार पर जो है अंश पत्रों को आवंटित करती है। उसके पश्चात जो बची हुई राशि है वो फर्स्ट काल और सेकंड काल के रूप में जो है यहाँ पर ऋण पत्रधारी से या अंशधारी से वो प्राप्त करती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ऋण पत्र जो होते हैं वो एक प्रकार से कंपनी को दिए गए ऋण का एक क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है, और इन ऋण पत्रों पर जो है कंपनी एक निर्धारित दर से ब्याज प्रदान करती है। अब ये ऋण पत्र जो होते हैं ये तीन रूप में जारी किए जाते हैं, जो कि तो यहां ऋण पत्रों को जो है तीन रूप प्रकार से निर्गमित किया जाता है। नंबर एक, सममूल्य पर, सममूल्य पर, जिसके बारे में हमने इसके पहले अध्याय में देखा था कि सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, अर्थात ऋण पत्रों की का जो अंकित मूल्य है उन्हीं अंकित मूल्य पर जो है ऋण पत्रों को बाजार में निर्गमित किया जाता है या जारी किया जाता है। दूसरा प्रकार जो है यहाँ पर प्रीमियम पर, और तीसरा प्रकार जो है बट्टे पर। तो यहाँ हम आज यहाँ देखेंगे कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से होता है, बट्टे पर निर्गमन किस प्रकार से होता है, इसकी लेखा और विधि किस प्रकार की है। तो ऋण पत्रों का निर्गमन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार अंशों का निर्गमन होता है। ऋण पत्रों का भुगतान जो है किस्तों में या एक मुश्त लिया जा सकता है। तो यहाँ ऋण पत्र का जो भुगतान है वो जिस प्रकार से अंश पत्रों में आवेदन पर, आवंटन पर या याचना पर या एक मुश्त भी लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्र का भी जो भुगतान है वो ऋण पत्रधारी से किस्तों में, अर्थात आवेदन, आवंटन और याचना पर या फिर एक मुश्त इकट्ठा लिया जा सकता है। यहाँ पर भुगतान किस्तों में लिए जाने पर पहली किस्त आवेदन पत्र के साथ, दूसरी आवंटन के समय और शेष किस्तें एक या दो भाग में याचना के रूप में मंगाई जा सकती है। तो यह पहली किस्त जो है आवेदन के रूप में, दूसरी किस्त आवंटन के रूप में और तीसरी और चौथी किस्त जो है वो दो भागों में याचना के रूप में मंगाई जा सकती है। अब यहाँ ऋण पत्र जो है सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्र में प्रीमियम जो होता है पूंजीगत लाभ कहलाता है, अर्थात एक ऋण पत्र का जो अंकित मूल्य है जब उस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर वो ऋण पत्र बाजार में बेचा जाता है तो वो प्रीमियम पर बेचा गया ऋण पत्र कहलाता है। अब ये प्रीमियम जो है पूंजीगत लाभ है, इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और आदि के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम खाते में दिखाया जाता है। तो ये प्रीमियम पर। दूसरा जो है ऋण पत्र का बट्टे पर निर्गमन, बट्टे पर निर्गमन जो है ये क्या है, पूंजीगत हानि। तो यहां हमने देखा कि प्रीमियम पर यदि ऋण पत्र को निर्गमन किया जाता है तो वो क्या है, पूंजीगत लाभ है, और वहीं बट्टे पर अर्थात छूट पर जब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर वो बाजार में जारी किया जाता है तो बट्टे पर निर्गमित ऋण पत्र जो है वो पूंजीगत हानि माना जाता है, और इसे अन्य पूंजीगत हानि की भांति इस अपलिखित इसे किया जाता है। ऋण पत्रों का जो लेखा है अंशों के निर्गमन के तरह ही होते हैं, केवल अंश पूंजी खाते के स्थान पर यहाँ पर जो है ऋण पत्र खाता खोला जाता है। जैसे आवेदन पर यदि राशि प्राप्त होती है अंश पत्र में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम ऋण पत्र पर आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट के नाम से यहाँ पर प्रविष्टि होगी। तो ठीक उसी प्रकार से प्रविष्टियाँ होंगी जिस प्रकार से अंश पूंजी खाते की हम प्रविष्टि करते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से ऋण पत्र के लिए भी हम ऋण पत्र यहाँ खाता खोल के उसकी प्रविष्टि करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रीमियम पर जो है आवेदन का निर्गमन किया जाता है, ऋण पत्रों का प्रीमियम पर आवेदन निर्गमन। तो जब ऋण पत्रों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य या सम मूल्य से अधिक पर किया जाता है, अर्थात यहाँ पर यदि 100 रुपये का ऋण पत्र है, मतलब इसका क्या है कि उसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, तो जब उससे
अधिक सम मूल्य से अधिक पर किया जाता, मतलब 100 रुपए से अधिक पर, मान लीजिए 110 रुपए में ऋण पत्र को जारी किया गया तो वो क्या कहलाएगा, 100 रुपए वाला जो ऋण पत्र है वो 10 रुपए के प्रीमियम के साथ 110 रुपए में बाजार में जारी किया जाता है, तो ये कहलाता है प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अब यहाँ ऋण पत्रों का जो प्रीमियम है वो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में क्रेडिट किया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते को जो है चिट्ठे पक्ष में आधिक या अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जनरल प्रविष्टि यहाँ पर है कि जैसे यदि हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि यदि एक ऋण पत्र को जो है अपने अंकित मूल्य से 10% अधिक पर प्रीमियम पर जारी किया गया और प्रीमियम की राशि जो है वो अलॉटमेंट के समय अर्थात आवंटन के समय प्राप्त की जाएगी, तो जो आवेदन की जनरल प्रविष्टि है वो वैसे ही रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और जो यहाँ पर प्रविष्टि हम करेंगे यहाँ आवंटन के ड्यू होने पर, तो ऋण पत्र अलॉटमेंट अकाउंट अर्थात ऋण पत्र आवंटन खाता ये क्या होगा डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अर्थात यहां पर ऋण पत्र प्रीमियम खाता जो राशि प्रीमियम के रूप में यहां प्राप्त होनी है और जो राशि वास्तव में अंकित मूल्य से यहां प्राप्त होनी है डिवेंचर में, इसका टोटल जो है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अर्थात प्रीमियम सहित ये राशि यहां पर डेबिट होगी। विंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ प्रीमियम अर्थात प्रीमियम के साथ जो है आवंटन की राशि, ऋण पत्र के आवंटन की राशि जो है प्रीमियम के साथ ड्यू ड्यू है दे यहां पर। अब यहां पर आवंटन की राशि प्राप्त हो गई तो सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, आवंटन की राशि जो है यहां पर प्रीमियम के साथ, पूरी राशि जो है यहां पर प्रीमियम सहित ये राशि जो है यहां पर क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी और टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अर्थात बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ जो है बैंक खाते में जो है संपूर्ण राशि जो है प्रीमियम की वो आवंटन के साथ प्राप्त हो गई। तो यहां पर जो है यदि आवंटन के समय जो है प्रीमियम की डिमांड की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है हम डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट होगा टू डिवेंचर अकाउंट ऋण पत्र खाता से टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अर्थात ऋण पत्र प्रीमियम खाता से जो प्रीमियम ड्यू है। तो ये जो है जनरल प्रविष्टि प्रीमियम सहित है। उदाहरण इसका जो है हम देखते हैं, एबी लिमिटेड कंपनी ने 5,012% वाले ऋण पत्र जो कि प्रत्येक 100 रुपए का था 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए, अर्थात यहां पर 110 रुपए में ये ऋण पत्र बाजार में जारी किए गए। अब आवेदन पर जो है यहां 20 रुपए तथा शेष आवंटन पर प्रीमियम सहित प्राप्त होना था, कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, अर्थात 110 रुपए का जो ऋण पत्र था, जो 100 रुपए का अंकित मूल्य वाला ऋण पत्र था वो कंपनी ने 110 रुपए में बाजार में जारी किया जिसमें आवेदन पर 20 रुपए और बचे शेष प्रीमियम सहित 90 रुपए वो जो है कंपनी ने यहां पर एक मुश्त आवंटन के समय प्राप्त कर लिए। तो यहां पर जो है आपका 110 रुपए का टोटल प्रीमियम सहित ऋण पत्र जिसमें 20 रुपए आवेदन पर व शेष 90 रुपए जो है आवंटन पर 10 रुपए प्रीमियम सहित, 10 रुपए प्रीमियम सहित। तो ये टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ऋण पत्र आवेदन खाता से, यहां बैंक में कितने थे 5,000 ऋण पत्र थे, आवेदन पर 5,000 इंटू 20 तो 1,00,000 रुपए जो है उसके डेबिट हुए बैंक खाते से
आवेदन के माध्यम से, ऋण पत्रों के आवेदन से प्राप्त हुए, तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 1,00,000 रुपए। फिर डिवेंचर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपए जो है हमने इसको विंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट, ऋण पत्र खाते में जो है आवेदन की राशि जो है वो हमने हस्तांतरित कर दी, ये ट्रांसफर। अब बात आती आवंटन की, तो यहाँ 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000, ये कहाँ से आए, ये 5,000 जो ऋण पत्र थे इनको प्रीमियम सहित कितने 90 रुपए, तो ये 4,50,000 रुपए। अप टू 12% डिवेंचर अकाउंट अर्थात ऋण पत्र पर जो बचे हुए 80 रुपए थे, तो ये 5,000 × 80 4,00,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो 10 रुपए प्रीमियम के थे, ये 10 रुपए प्रीमियम के, तो 5,000 × 10 50,000 रुपए। तो ये 4,50,000 रुपए जो क्रेडिट हुए ये ड्यू हो गए ऋण पत्र आवंटन खाते के समय। तो विंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ जो है आवंटन की राशि ड्यू हो गई, प्रीमियम की राशि कितनी बनी 50,000 रुपए, और 12% डिवेंचर की जो आवंटन की राशि थी वो पर हेड 80 रुपए के हिसाब से 4,00,000 रुपए। अब ये राशि समय पर प्राप्त हो गई तो बैंक अकाउंट से ये 5,000 × 19 ये बैंक से प्राप्त हो गई 4,50,000 रुपए, और इसको जो है ये 4,50,000 विंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अर्थात जो राशि है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो यहाँ हमने देखा कि जब प्रीमियम पर ऋण पत्र को बाजार में जारी किया गया तो आवेदन पर राशि जो प्राप्त हुई और शेष प्रीमियम सहित आवंटन पर जो राशि प्राप्त हुई उसका लेखा हमने यहाँ किया। अब दूसरा जो है ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन, जब बट्टे पर ऋण पत्र को बाजार में जारी किया जाता तो ऋण पत्र उसके अंकित मूल्य या सममूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है। ये माना जाता है कि ऋण पत्रों का बट्टे पर या छूट पर निर्गमन किया जाता है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे को ऋण पत्र पर बट्टा खाता डेबिट किया जाता है। ये छूट जो है वो क्या है, एक प्रकार की पूंजीगत हानि है। तो बट्टे पर ऋण पत्रों के निर्गमन से जो तात्पर्य है कि जब उसको अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बाजार में जारी किया जाता है, जैसे मान लीजिए ऋण पत्र 100 रुपए का अंकित मूल्य वाला है, अंकित मूल्य, तो यहां बाजार में जो है इसको 95 रुपए में जारी किया गया, तो 5 रुपए क्या है ये बट्टा, अर्थात 100 रुपए के अंकित मूल्य वाला ऋण पत्र जो है 5% बट्टे पर जो है बाजार में जारी किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी है 95 रुपीज, और 5 रुपीज क्या हो गया बट्टा हो गया। तो ये बट्टा जो है वो क्या हो गया, ये छूट क्या हो गई, पूंजी का हानि। अब यहाँ पर हम इसकी जनरल प्रविष्टि देखते हैं कि यदि आवंटन पर राशि देय होने पर बट्टे सहित, यदि एक कंपनी जो है अपने ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर जारी करती है और बट्टे की राशि जो है वो आवंटन के समय प्राप्त करती है, तो उसकी प्रविष्टि जो होगी यहाँ हम देखते हैं कि डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अर्थात जो जारी किए ऋण पत्र जितने मूल्य पर वो यहाँ, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, मान लीजिए यहाँ पर 100 अंश पत्र जो हैं 95 रुपये में जारी किए गए और इस पर जो बट्टा था वो था 100 पर 5 रुपये, तो इस प्रकार से यहाँ 9,500 रुपये जो है ये आवंटन की राशि प्राप्त हुई है और 5% जो है डिवेंचर बट्टे में जाएगा, टू डिवेंचर अकाउंट यहाँ जो है अपना जो है प्रविष्टि ऋण पत्रों का जब हम बट्टे पर निर्गमन करते हैं तो जो राशि ड्यू है, मान लीजिए अलॉटमेंट के समय ड्यू है उसमें डिस्काउंट हम आवंटन के समय दिखा रहे हैं, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और जो छूट या जो बट्टा है वो भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो ये बट्टे पर निर्गमन, इससे जुड़ा एक सवाल देखें हम यहाँ पर,
अंबानी लिमिटेड ने 50 रुपए वाले 8000 ऋण पत्र, संख्या 8000 ऋण पत्र 10% वाले 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जिन पर 10 रुपए आवेदन पर, आवंटन पर 20 रुपए व याचना पर 15 रुपए दे, आवश्यक जनरल प्रविष्टि यहाँ कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि आवेदन पर वो 10 रुपए ले रहा है, आवंटन पर वो 20 रुपए ले रहा है और याचना पर 15 रुपए ले रहा है। तो ये टोटल हो गया यहाँ पर कितना, 10 रुपए आवेदन, आवंटन 20 रुपए, याचना 15 रुपए, मतलब टोटल 45 रुपीज 45 रुपए। तो यहाँ 45 रुपए जो है ये प्राप्त हो रहा है, और 5 रुपए क्या है, ये छूट, छूट के रूप में, जो कि कहाँ, आवंटन पर, आवंटन पर दे है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम सामान्य जनरल प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट से जो है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 रुपए, कितने ऋण पत्र यहाँ पर 8000 ऋण पत्र इंटू आवेदन पर 10 रुपए, तो ये 80,000 रुपए जो है इनको एप्लीकेशन मनी टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के माध्यम से जो है 80,000 रुपए ये प्राप्त हो गए। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 80,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट से ये हमने हस्तांतरित कर दिए, कहाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी यहाँ पर ड्यू दिखा दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त हुई वो आवेदन की राशि हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। अब हम बट्टे पर जब हमने इसको निर्गमित किया हुआ है तो आवंटन के समय जो हमें यहाँ पर राशि प्राप्त हो रही है, बिल्कुल तो अब हम बात करते हैं आवंटन की, क्योंकि यहाँ छूट जो है वो आवंटन पर दी जा रही है। आवंटन के समय जो राशि मांगी गई थी वो 20 रुपए मांगी गई थी, जिसमें 5 रुपए जो है यहाँ पर अलग से बट्टे के, तो बट्टा सहित जो है यहाँ पर टोटल 25 रुपए जो है बट्टा सहित आवंटन पर राशि प्राप्त की गई है, आवंटन पर राशि प्राप्त। तो यहाँ जो प्रविष्टि होगी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ आवंटन पर 20 रुपए मांगे गए थे, उस हिसाब से यहाँ 1,60,000 रुपए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 रुपए के हिसाब से जो है ये 40,000 रुपए छूट के प्राप्त हुए यहाँ पर, टू 10% डिवेंचर अकाउंट अर्थात 8,000 × 25 रुपए ये आवंटन पर बट्टा सहित, तो ये राशि हुई 2 लाख रुपए। जो 2 लाख रुपए आवंटन पर प्राप्त होनी थी उसको यदि वो सम मूल्य या अंकित मूल्य पर ऋण पत्रों को बाजार में जारी करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने जो है बट्टे पर उसको जारी किया, तो यहाँ पर अगली राशि जो है बैंक से जो उसको प्राप्त हुई तो 8,000 × 20 रुपए, ये 1,60,000 रुपए जो है प्राप्त हुई, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ये ड्यू और ये प्राप्त। अब अंतिम जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची, लास्ट कॉल, तो ये जो है ड्यू कितना है 15 रुपए के हिसाब से है, याचना पर राशि तो 8,000 ऋण पत्र हैं, तो 8,000 × 15 1,20,000 रुपए, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000, और अंत में ये बैंक अकाउंट में उसको राशि प्राप्त हुई तो 1,20,000 रुपए 8,000 × 15 ये उसको 1,20,000 रुपए, और ये राशि जो है 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कुछ प्रश्न है, ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशा है स्पष्ट कीजिए, ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन किए जाने वाले संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए, फिर ऋण पत्रों के बट्टे या छूट पर निर्गमन से आशय स्पष्ट कीजिए, और ऋण पत्रों के छूट पर निर्गमन किए जाने से संबंधित जनरल प्रविष्टि कीजिए।